वेलकम टू माय चैनल। आज कहकशा खान किचन में हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता, जिसके लिए मैंने एक बड़ा बैंगन लिया है और इसे हमने बीच बीच में से कट करके चेक कर लिया है कि इसमें कुछ है तो नहीं। और आप भी इसे एक बार चेक ज़रूर करिएगा। और इसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाना है हमें पूरे बैंगन में, फिर हमने इसे भूनना है गैस पर। बैंगन हमारा पूरा अच्छे से भून गया है, इसे मैंने अलग प्लेट में निकाल के रख दिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसे हमने पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब भरता बनाने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर दो छोटी प्याज, जिन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। एक कटोरी से कम मैंने मटर ली है, एक बड़ा टमाटर कट कर लिया है, आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक कर लिया, कुछ के लिए लहसुन की, और चार पाँच हरी मिर्ची कट कर ली है। मैंने अब गैस पर कढ़ाई रख दी है, जिसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून रिफाइंड। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने यहाँ पर गुलाबी कलर आने तक ही सिर्फ तलना है। देखिए प्याज का कलर अब यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन अदरक, और दो मैंने यहाँ पे 2 तेज़पात के पत्ते ऐड किए हैं, और 1 पिंच मैंने यहाँ पे हींग भी डाली है। 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर, मटर डाल के भी हमने इसे 2 मिनट तक चलाना है। ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, लेकिन बनने के बाद ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, और मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच डालूँगी पिसा हुआ धनिया। मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक और डालूँगी, और आप अपने स्वाद के अनुसार ही इसमें डालिएगा। बाकी 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है। 4 मिनट तक हमने इसे अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बैंगन। बैंगन को हमने छिलके उतार कर छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख दिया था। मैंने अब इसे भी मसाले में ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आप इस तरीके से ये भरता बनाएंगे तो ये घर में ज़रूर सबको पसंद आएगा, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा इसे। ये भरता हमारा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने डाला है 1 कटोरी फ्रेश हरा धनिया कट करके, आप भी इसे ज़रूर डालिएगा। अब मैं इसमें लगाऊँगी ऊपर से तड़का। के लिए मैंने यहाँ लहसुन के लिए है और 1 टुकड़ा प्याज का लिया है। हम इसका तड़का लगाकर 2 मिनट तक ढक कर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, भरता हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाय, अल्लाह हाफिज़।